तो गाइस ये रहा मेरा फ़ोन, ये है गैलेक्सी A34 5G, 8 GB की रैम है, 128 GB इसकी रोम है, और क्या कहते हैं ये है सैमसंग का। तो जो ये कौन सा फ़ोन है तो ओपनिंग रहेगी पुराने वाले फ़ोन से, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे मैं आईफोन से शूट कर रही हूँ, बट ये आईफोन नहीं है, वो मेरी बजट से बहुत ही ज़्यादा बाहर था, तो ये सही था तो ये मैंने ले लिया। अभी क्या कहते हैं बैक एंड देखती हूँ कि कैसा लग रहा है, तो आप सारे ना कमेंट करके बताना कि इससे ब्लॉगिंग में कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखो ये वाइड एंगल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, हाई क्वालिटी आ रही है, बहुत ही HD क्वालिटी आ रही है इसमें। ये देखो अपार्टमेंट देखो, मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा ही दूर है, कितने नज़दीक दिख रहे हैं ये देखो, एक मिनट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस बज गए हैं मॉर्निंग के 9, और क्या कहते हैं मेरा जाने का हो गया है टाइम, तो मुझे थोड़ा काम रहता है आजकल, तो मैं जा रही हूँ Phase 7 मोहाली। तो अभी क्या कहते हैं आज मेरा ना क्या कहते हैं मन था कि मूवी वगैरह देख के आए, है ना, तो अभी जो रिसेंटली मूवी रिलीज़ हुई है आदिपुरुष, है ना, तो वो देखने का मन था मेरा, जब पहले मतलब कि उसका ट्रेलर देखा था ना तो मुझे लगा था कि अच्छी होएगी मूवी, कि देखनी चाहिए, है ना, कि कोई ना कोई तो लेसन मिलेगा ही। बट जब मैंने उसकी रिव्यू देखी है ना, मूवी रिव्यू, सच में दिल टूट गया मेरा। क्या बोला तूने? सच में मतलब कितना मन था ना देखने का थिएटर में कि आदिपुरुष मूवी आ रही है काफ़ी लंबे टाइम के बाद, कि इतना अच्छा बन लगे, उन्होंने खासा अच्छा 600 करोड़ पता नहीं कितने का उन्होंने बजट लगाया मूवी पे, तो अच्छा हमको सिखा रिया है भी अच्छी होगी मूवी कम से कम देखने। बट जितनों की भी मैंने रिव्यू देखे हैं ना मूवी के, सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि घटिया रिव्यू है, घटिया नहीं, आई थिंक जिन्होंने मूवी देखी है, हो सकता है मे बी मूवी है ना वो हो, तो मैं बिना देखे से जज भी नहीं कर सकती, तो मेरा ना बिल्कुल भी मूड क्या मन देखने का है नहीं आदिपुर, सच में दिल टूट गया मेरा। नहीं इतना मन था, मैंने अपनी फ्रेंड से मतलब कि बोला था कि हम देख के आएंगे आदिपुरुष मूवी, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं तो निकलती हूँ Phase 7 के लिए, तो मिलते हैं आपको वहाँ पे जाके। तो क्या कहते हैं मैं अपनी फ्रेंड से तो बाद में कंफर्म करूँगी, तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने देख लिया आदिपुरुष जो मूवी है, अगर देख ले तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, तो उसके बिहाफ पे फिर हम देखेंगे, उसका रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू तो मैंने तो क्या करना है, बहुत लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है इसका रिव्यू, तो बाकी जाके देखते हैं, लेट्स सी। तो गाइस मैं आ गई थी अपने क्लास में, तो यार मैंने क्लास लगा रही थी, यहाँ एक और लड़की थी, वैसे हमारी एक्चुअली चल रही है ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग का कुछ बता रहे थे हमें, तो उसके बाद रमन कह रही कि मैंने शॉपिंग करने जाना है, तो मैडम ने शॉपिंग तो की नहीं, वैसे मॉल में घूम ही जा रही थी, मॉल नहीं है सॉरी ये शॉप है, क्या कहते हैं शोरूम होता है जो कपड़े का, वहाँ पर आई थी, तो देख ही जा रही थी, तो मैंने तो कुछ लेना थी इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रही थी, मैं क्या मैडम देखते हैं क्या खरीदती है, बट इसे पसंद तो सारा कुछ आ रहा था, बट कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी ना हद से ज़्यादा, मतलब कि एक सिंपल टॉप जैसा मैंने अभी पहना हुआ है ना, अगर ऐसा टॉप भी लेना है तो कितने का था, 650 का, अगर जो मैंने पहना हुआ है वो ओनली 500 का था। तो ये जा रही है मैडम, बाय बाय मैडम, तो अभी मैं चलती हूँ घर, तो अभी मैंने ले लिया ऑटो घर जाने के लिए, तो मुझे ऑटो से फिर बस लेनी पड़ेगी, तो बस मुझे मिल गई है फाइनली, तो अभी चलते हैं बस से घर, तो अभी बस 10 या 15 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी घर, तो मेरे घर से क्या कहते हैं सॉरी यहाँ से घर का रास्ता 5 या 10 मिनट का है। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गई हूँ घर, तो मैंने एक्चुअली लिया है न्यू फ़ोन, तो आपको दिखाती हूँ जो मैंने न्यू वाला फ़ोन लिया है। तो गाइस इसे पता नहीं बेचारी को क्या हो गया, ये ना दिन पर दिन सूखती जा रही है, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, ये है मानो ये देखो बहुत सूखती जा रही है, कड़ेल सी होगी पता नहीं, तो इसमें बदन वगैरह पै गया ना इसलिए सूख रही है, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया तेरे को, सूखती जा रही है दिन भर दिन, खाती खाती भी है लेकिन दौड़ती दौड़ती बहुत है। हाँ पुत्र क्या हो गया, रोती है दूसरी को दिखाती हूँ सिमू को, सिमू ये देखो कहाँ पे बैठे हैं गाइस, ये देखो ये इनका नवा ठिकाना है, ये देखो मंजे पे चढ़ के बैठे हैं पूरी तरीके से, ये देखो दोनों के दोनों, हाँ और जगह नहीं मिली बैठने के लिए, हैं बिल्लू
ये देखो फाइनली गाइस मैं आ गई थी घर, क्या कहते हैं अभी क्या कहते हैं फोन वगैरह सारा डन करके, तो अभी बताऊंगी कौन सा फोन है, कैसे लिया, क्या था। तो क्या कहते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे वहाँ पे करनी पड़ी वेट, बट होप सो अभी सही है। अभी क्या कहते हैं न्यू फोन से मेरा वीडियो हो रहा है, अभी जो बीच में थोड़ा सा है ना वो है पुराने फ़ोन वाला, बाकी जो ये सारा रहेगा वो रहेगा न्यू फ़ोन का। तो मैं अभी आपको ओपनिंग करके, वैसे मैंने ओपनिंग ऑलरेडी कर दी है, मैं दिखाऊंगी कौन सा फ़ोन है, तो ओपनिंग ही रहेगी पुराने वाले फ़ोन से। बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे मैं आईफोन से शूट कर रही हूँ, बट ये आईफोन नहीं है, वो मेरी बजट से बहुत ही ज़्यादा बाहर था, तो ये सही था, तो ये मैंने ले लिया। ये हमारी मानो की फ़ोटो है HD में, देखो कैमरा कितना अच्छा आ रहा है। ये है मेरा सिमू देखियो, ये देख तेरे नए फोन में वीडियो शूट हो रहा है, इधर देख बुत देख सिमू। तो गाइस ये रहा मेरा फ़ोन, ये है गैलेक्सी A34 5G, 8 GB इसकी रैम है, 128 GB इसकी रोम है, और क्या कहते हैं ये सैमसंग का। तो जो ये कलर है ना वो सेम मेरे फ़ोन के जिससे मैं अभी ये शूट कर रही हूँ। तो इसकी जो एक्चुअली कॉस्ट है वो है, वो आप देख सकते हो 35,499 रुपये। तो इसकी ये है, बट ये मैंने EMI पे लिया, तो EMI पे मुझे ये पड़ गया है, मतलब कि ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया, 6,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मुझे EMI पे। मैंने 8 EMI बनाई हैं, EMI बनवाई हैं 8, तो देख लो एक्चुअली कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा है ये। अभी मैं न्यू कैमरा से ना वीडियो बना रही थी, तो देख रही हूँ कि कैसी बन रही है, मैं अलग अलग लोकेशन पे जाके देख रही हूँ कि सही है या नहीं है, वैसे कैसा व्यू आ रहा है। वैसे इवन देन काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही है इस कैमरा की, जैसे ये दूसरे कैमरा से ना बहुत शेक करती थी, तो इसे ऐसे शेक नहीं होता, हिलता नहीं है। तो ये है मेरा न्यू सैमसंग, वैसे पुट्ठे बोल लिया मैंने, ये देखो, और ये है व्यू, काफ़ी अच्छा रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, या इसमें ब्लॉगिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। अभी क्या कहते हैं बैक कैम देखती हूँ कि कैसा लग रहा है, तो आप सारे ना कमेंट करके बताना कि इससे ब्लॉगिंग में कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो ये वाइड एंगल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इससे ब्लॉगिंग करके। एक मिनट इसकी बैक कैम चेक करती हूँ मैं कैसा लग रहा है। तो ये देखो गाइस, आप ना क्वालिटी वाइज देखना ना कितनी क्वालिटी आ रही है, उसमें इतनी नहीं आती थी, इसमें देखो कितनी हाई क्वालिटी आ रही है, बहुत ही HD क्वालिटी आ रही है इसमें। ये देखो अपार्टमेंट देखो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा ये दूर है, कितने नज़दीक दिख रहे हैं ये देखो। एक मिनट अभी वाइड एंगल चली तो रहा है, ये है जो मेरे घर के पास जो रेस्टोरेंट है, ये देखो काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये देखो ये सामने ये रेस्टोरेंट है, और ये हमारे गुआंढी हैं, दूर चलेगी इतना हो गया। अभी ये देखो कितना आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा। ये देखो जो मैं जो होड़ा आपको दिखाती थी, अभी तो ये पानी क्लियर दिख रहा है। ये देखो इधर देखो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो सामने है जो हमारे घर से काफ़ी दूरी है, देखो यहाँ पे बस्ती जी बनी हुई है, यहाँ पे भी ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस देखो ये कितना ज़्यादा वो है ना, अगर वाइड करते हैं तो यहाँ पे देखो नज़दीक आ रहा है, ये देखो जूम। तो अभी नीचे से देखते हैं ये कैसी बन रही है वीडियो, नीचे का व्यू लेके आते हैं घर के, अभी सारा इसमें ही बना करेगा। ये है जो फ़ोन है गैलेक्सी A34 5G, तो 5G ले लिया फाइनली मैंने, क्योंकि कस तो करना पड़ना था, अगर ब्लॉगिंग में आना था तो इतना तो करना ही था। अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे कैसा आ रहा है व्यू, काफ़ी अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है इसके साथ। ये देखो काफ़ी HD क्वालिटी में आ रही है वीडियो, बहुत ही ज़्यादा। चल आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट होगी इसमें, तो जितना मर्जी शेक करे कैमरा तो हिलेगा नहीं, जितना मर्जी ऐसे ऐसे चलाई जाऊँ। तो गाइस क्या कहते हैं मैं जो अलग अलग फिल्टर है ना, तो उनसे क्या कहते हैं ये वीडियो
वीडियो देख रही हूँ कि अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फिल्टर अच्छे लगे। आप बताना कि आपको अच्छे लग रहे हैं, और क्या कहते हैं, बस यही कहना था। आज मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा कि नया फ़ोन ले लिया फाइनली। अभी वीडियो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में आएंगी थोड़ी सी, लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। सैमसंग की वैसे क्वालिटी वाइज कैमरा होते हैं जो फ़ोन्स होते हैं ना, फ़ोन के कैमराज काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो, ऐसे लग रहा है जैसे आईफोन से शूट कर रही हूँ, लेकिन ये आईफोन नहीं है, है ये सैमसंग गैलेक्सी A34। तो गाइज, इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, एंड आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।